सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे UPPCS 2019 के क्रैश कोर्स में। आज हमारा 16वां दिन है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उत्तर प्रदेश के स्पेशल चीज़ें, कुछ स्कीम्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एंड कुछ इनिशिएटिव जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिए हैं। सो डैट वी डिस्कस टुडे, सो दैट इज द पार्ट टू। एंड माई नेम इज निहित किशोर। सो लेट्स बिगन विद आर डिस्कशन। सो द फर्स्ट वन ईयर इज द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। दिस स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड बाय आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन अक्टूबर 25, 2019 एंड ऑन द ओकेजन ऑफ धनतेरस। तो धनतेरस के दिन 25 अक्टूबर को ये स्कीम लॉन्च हुई है। सो रिमेंबर द डेट, क्योंकि डेट्स पे भी क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो इसके अंदर क्या होगा, द इट एम्पावर्स द गर्ल child for which an amount of 15,000 rupees will be provided to every family in which a girl child takes birth. तो जिस भी परिवार में एक कन्या या एक लड़की का जन्म होगा तो उस परिवार को 15,000 रुपये मिलेंगे। तो that is the scheme. तो amount याद रखेंगे 15,000 rupees to every family in which a girl child takes birth. तो हमेशा कितने मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा उस परिवार को। Under this scheme, the state government will direct transfer fund into the account of the registered girl in a phased manner when a girl child will complete various achievements like vaccination, admission, class 1st, 5th and 9th and graduation. So, ये जो 15,000 का amount है, ये एक बार में complete नहीं मिलेगा। जैसे कि starting में जैसे birth हुआ baby का तो 5,000 मिल गया, उसके बाद जब वो अपनी 5th class में होगी तब कुछ पैसा मिलेगा, graduation के बाद कुछ पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से एक पूरी girl जो लोग होते हैं कि लड़कियों को पैदा नहीं करते कि लड़कियां बोझ है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, लोगों की मेंटेलिटी उसको चेंज करने के लिए क्या करा है कि 15,000 रुपये देंगे। इससे क्या होगा, जो बहुत ही पुअर लोग हैं वो सोचेंगे कि 15,000 रुपये आ जाएंगे अगर लड़की पैदा होगी, तो दैट टाइप ऑफ मेंटेलिटी। तो इससे क्या होगा कि जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो भी इंक्रीज होगा। तो दैट इज़ द स्कीम इज़ वेरी गुड इन दिस पर्सपेक्टिव। सो वी कैन कोट दिस स्कीम इन when we are talking about the demographic dividend, कि किस तरीके से जो sex ratio वगैरह है, जो sex ratio है इंडिया का इतना कम है, उसको कैसे improve किया जाए। so that will definitely help there. okay, next is the 38th India Carpet Expo. तो India Carpet Expo हुआ है वाराणसी के अंदर। so location याद रखेंगे वाराणसी, the 38th Indian Carpet Expo. okay, so यही, और ये organized twice in a year, तो साल में दो बार होता है, एक बार दिल्ली में और एक बार वाराणसी के अंदर। तो इंडिया कार्पेट एक्सपो वाराणसी, साथ साथ मेरे रिपीट करते रहेंगे सो डेट कि आपके मेमोरी में ये रहे, अनकॉन्शियस मेमोरी में रहे, जब भी आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो यू कैन एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो यूपी स्कूल एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ओके, तो कौन सा स्कूल है, द स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यूपी का स्कूल है जो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। एंड द रीजन फॉर दिस इज द एट प्रेजेंट द CMS, दैट इज द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, हैज 18 ब्रांचेज एंड अप्रोक्सीमेटली 56,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द सिटी। तो 56,000 बच्चे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो है फेमस हो गया है, मतलब कि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट है इसके पास। ओके, सो नेक्स्ट इज द लखनऊ आइकॉनिक, यस द लखनऊ आइकॉनिक हजारतगंज चौराहा रिनेम्ड एज अटल चौक। तो जो लखनऊ का हजारतगंज चौराहा है उसका नाम अब क्या है, अटल चौक है। तो याद रखेंगे कि अटल चौक किस चौराहे के लिए बोला गया है, तो डेट इज दैट कैन बी आस्ड। सो नेक्स्ट इज द टेराकोटा ग्राइंडर टू रीयूज वेस्टेड पॉटरी। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज लॉन्च अ टेराकोटा ग्राइंडर। तो टेराकोटा ग्राइंडर किसने लॉन्च किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने। और कहाँ पे क्या था, इन वाराणसी में लॉन्च किया। तो लोकेशन याद रखें कहाँ पे लॉन्च हुआ है टेराकोटा ग्राइंडर, किस लोकेशन से और किस कमीशन ने किया है, एंड जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी, डेट इज द MSME, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सो ये रिलीज किया गया है बाय आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 11 सितंबर 2019 को फ्रॉम मथुरा। तो मथुरा लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए यूपी के लिए इंपॉर्टेंट, इट इज द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट इज
मेगा वेंडर मीट 2019, तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मेगा वेंडर मीट 2019 कहाँ पे हुई है, दैट इज एट लखनऊ। नेक्स्ट इज नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम एंड दैट इज लॉन्च द नेशनल आर्ट आर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है एट मथुरा में ही। ये ही ऑल्सो लॉन्च अ कंट्री वाइड वर्ल्ड वर्कशॉप इन ऑल कृषि विज्ञान केंद्र। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन साइड लाइन्स विद स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2019 एंड नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इन्हीं के साथ ही जो स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम और NADCP एंड देन दिस आर्टिफिशियल नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन प्रोग्राम, तीनों एक साथ लॉन्च हुए हैं। ओके तो नेशनल फूड लेबोरेटरी, तो नेशनल फूड लेबोरेटरी कहाँ पे है, गाजियाबाद में इनाग्रेट की गई है और ये इनाग्रेट की गई है 13th एनिवर्सरी ऑफ फसाए, दैट इज अ फूड एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के 13 साल पूरे हो चुके हैं उसके लिए नेशनल फूड लेबोरेटरी इनाग्रेट की गई है गाजियाबाद के अंदर और ये PPP मॉडल से बनी है, दैट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। नेक्स्ट इज स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स डिक्लाइन यूपी, तो नॉट स्टबल बर्निंग से ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता ही है डेली न्यूज में चल रहा स्टबल बर्निंग क्या होता है। डिफेंस एक्सपो इन फरवरी 2019, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2020 में जो एक्सपो हो रहा है वाला डिफेंस एक्सपो 2020 वो कहाँ पर हो रहा है, लखनऊ में। ओके और थीम क्या है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है और थीम क्या है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। सो द डिफेंस एक्सपो इज लैंड नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन। इंडिया टॉप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PSBY, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इंडिया ने यूपी टॉप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 विद बैंक अकाउंट गेट अ इंसिडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख बाय पेइंग एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹12। तो बीमा योजना के अंदर 70 साल के जो ग्रुप के लोग हैं उनको इन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा ₹2 लाख तक का अगर वो एनुअल प्रीमियम देंगे सिर्फ ₹12, जस्ट ₹12 में उन्हें ₹2 लाख मिलेगा उनको एक्सीडेंट होता है। तो दैट इज अ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होंगे, टोटली 1.95 करोड़ पीपल ने इसको लिया है अब तक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, तो यूपी की जो रैंकिंग है डेट इज द 13 इन द ओवरऑल रैंकिंग। देन वृंदावन फॉर द मोस्ट डायनेमिक सिटी, जिसकी पॉपुलेशन 3 to 10 लाख पर पॉपुलेशन है एंड झांसी जो है उसे बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन का अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी 3 to 10 लाख पॉपुलेशन। मुरादनगर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल है उसको मोस्ट क्लीन सिटी अंडर द पॉपुलेशन ऑफ 50,000 to 1 लाख इन द नॉर्थ जोन अवार्ड मिला है। देन गुलाव म्यूनिसिपल काउंसिल को बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इन द कैटेगरी 50,000 to 1 लाख। तो दो कैटेगरीज हैं, 3 से 10 लाख वाली और 50 से 1 लाख वाली। तो 50 से 1 लाख वाली में मुरादनगर को मिला है म्यूनिसिपल काउंसिल को क्लीन सिटी के लिए और ग्लोथ म्यूनिसिपल काउंसिल को मिला है बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन। सिमिलरली 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाली में झांसी को मिला है बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन के लिए और 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाली में वृंदावन को मिला है डायनेमिक सिटी के लिए। सीएम ने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया 1076, पूछ सकते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यू हैव टू नो दिस। ओके 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर। सो यूपी गवर्नमेंट टारगेट सेट किया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर्म करने का इन द नेक्स्ट 3 अगले 3 साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो यूपी के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन है, अगर वैसे भी अगर आप देखो तो यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 20 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो इट विल बी डेफिनेटली कि हाईएस्ट नंबर सिटीजन उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र। 7 foot tall statue of Lord Rama depict Kodam Ram, one of the 5 avatars of Lord Rama at the Shodh Sansthan Museum. Okay, ये inaugurate किया CM योगी आदित्यनाथ ने। तो height याद रखेंगे 7 foot है, पूछ सकते हैं, इसमें बहुत confuse करते हैं PCS वाले exam कि बहुत factual जो dates वगैरह होती है उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। So AES and JES को eradicate करने के लिए यूपी में campaign start किया एंड द कैंपेन का नाम है 10 तक अभियान। तो याद रखेंगे नाम 10 तक अभियान।
ठीक है। एंड AES एंड JES क्या है? जेट इज द एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एंड जैपनीज इंसेफेलाइटिस डिजीज। तो आप जाके आज जरूर देखेंगे इन डिजीज के बारे में क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस किस सोर्स से ये और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये होती हैं, तो डेट यू हैव टू नो, क्योंकि पूछ सकते हैं। और ये UNICEF किन्ने ऑर्गेनाइज किया है? ठीक है, मोदी गवर्नमेंट टू विजिट यूपी, वाराणसी यूपी। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो मोदी जी ने जब यूपी वाराणसी आए थे तो उन्होंने इनाग्रेट किया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। द वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम एट मान महल, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। मान महल के अंदर एक म्यूजियम, वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम लॉन्च किया है, एंड दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। चौखंडी स्तूपा सारनाथ में सिचुएटेड है, लोकेशन याद रखेंगे, चौखंडी स्तूपा किस लिए है, कहाँ पे लोकेटेड है। एंड दैट वॉज अ टेरिस टेम्पल, इट वॉज सेड टू बी अ चौखंडी स्तूपा वॉज टेरिस टेम्पल एंड कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 4 to 18 सेंचुरी ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड का पीरियड याद रखें, किस समय बना था ये चौखंडी स्तूपा, लोकेशन कहाँ पे, सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्स्ट रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, सो पहली रोड जो बनी है प्लास्टिक वेस्ट से, डेट इज द लखनऊ में कंस्ट्रक्ट की गई है। सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम इन विच सिटी द फर्स्ट रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट बनाई गई है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? गोमती नगर पुलिस स्टेशन टू इंदिरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM लखनऊ तक। वाटर क्लिनिक फॉर एलिफेंट्स कहाँ पे खोला गया है? डेट इज द मथुरा में। तो वाटर क्लिनिक में क्या होगा? हाइड्रोथेरेपी, मतलब पानी के थ्रू थेरेपी दी जाएगी प्लांट, सॉरी एलिफेंट्स को, ठीक है, जिससे सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन्स एंड फुट अलाइनमेंट। तो फुट अलाइनमेंट, ज्वाइंट पेन से जो एलिफेंट्स वगैरह प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उन सब के ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर एक खोला गया एलिफेंट के लिए मथुरा में। और कोलोब्रेशन किसका? उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एंड NGO एंड वाइल्ड लाइफ SOS। तो अब यूपी कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। तो फर्स्ट इज, तो जो सीनियर सिटीजन्स की पेंशन थी जो बिटवीन 60 60s एंड 79 की एज के बीच में थी, वो 400 से करके 500 रुपये कर दिए। तो पूछ सकते हैं कितनी इंक्रीज करी है, 100 रुपीज इंक्रीज करी है। ओके, नेक्स्ट इज एम्स खोलने की बात करी जा रही है रायबरेली में, तो सेकेंड इनिशिएटिव इज दिस रायबरेली, और कंप्लीट हो जाएगा 2020 तक। एक बार और चेक करेंगे कि यूपी के अंदर कहाँ कहाँ पे एम्स बनाए जाएंगे और बने हैं, मतलब हैं और बनाए जाएंगे, तो ये अभी एक बार चेक कर लेंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। सो यहीं से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अप्रूवल टू 6 प्रपोजल बाय कैबिनेट, तो गोरखपुर में एक जूलॉजिकल पार्क बनेगा और उसका नाम होगा अशफाकुल्ला जूलॉजिकल पार्क। एजुकेशन ट्राइबल प्लानिंग रिफॉर्म बात करिए, तो स्टेट के पास किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 323B के अंदर ये पावर होती है कि वो ट्रिब्यूनल्स फॉर्म कर सकता है, दैट इज फॉर द पॉलिटी की नॉलेज के लिए। WHO रिपोर्ट ऑन हेल्थ केयर, तो WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर हेल्थ केयर के ऊपर, इंडिया फेसेस सेवर स्टोरेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स स्पेशली इन बिहार, झारखंड, यूपी एंड राजस्थान, सबसे बुरी हालत यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम की। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। तो 17वीं लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं यूपी में, यूपी लोकसभा इलेक्शन 2019 सेवन, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 59.29% वोटिंग हुई है लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में। 11 वुमेन्स हैं MPs हैं जो यूपी से इलेक्ट होके गई हैं। ओके, हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विनिंग राजकुमार छाछर बीजेपी फतेहपुर सीकरी से, लोवेस्ट मार्जिन ऑफ विनिंग BP सरोज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कि कितने वुमेन्स हैं जो कि यूपी से हैं, दैट इज 11। ठीक है, अब कौन कौन से काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी हमारे वाराणसी से, राजनाथ सिंह हमारे लखनऊ से, स्मृति ईरानी अमेठी से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप चंदौली यूपी से,
तो ये स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस संतोष कुमार गंगवार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बरेली से हैं ये। चैनल वी के सिंह गाजियाबाद से, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। चैन साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर यूपी, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बालियान, एनी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 ऑर्गेनाइज की गई है, कहाँ पे? लखनऊ में। सो इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि लखनऊ में हुई है, पहली बार यूपी के अंदर हो रही है ये। अब एयर क्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2014-19, तो उत्तर प्रदेश 14 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ जो हैं WHO के अकॉर्डिंग 15 में से डेटा इन इंडिया, और उनमें से चार जो हैं वो यूपी के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फेस ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट 2019 बाय द सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज दिस रिपोर्ट, तो दैट इज सीड्स, दैट इज सफिशियंट फ्रॉम दिस। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की फाउंडेशन डाली गई है खुर्जा के अंदर, एंड अनदर बक्सर बिहार, तो एक बक्सर में डाली थी एक खुर्जा के अंदर, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे इनॉग्रेट करने की बात की है। और इसमें इम्पोर्टेंट और ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट, हिंडन एयरपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है, गाजियाबाद में न्यूली ओपन हुआ है अंडर द स्कीम उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक, और बेसिकली ये इंडिजीनियस फ्लाइट्स के लिए है जो इंडिया में ही फ्लाई करेंगी। नेक्स्ट इज तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनिट ओपन की गई है अमेठी के अंदर, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, AK-203 राइफल जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ करेंगी। नेक्स्ट इज दरवाजा बंद पार्ट टू कैंपेन बाय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो ये, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। यूपी बजट 2019-20 4.79 लाख करोड़ का बजट था 2019 का। ठीक है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, उसकी जो पहली ब्रांच है वो कहाँ पे ओपन होगी, वाराणसी में ओपन होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम याद रखेंगे। ओके, तो एग्रीकल्चर कुंभ कहाँ पे, इन लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज और इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, भी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो यू कैन वंस रीड द होल PDF, सो डेट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। सो नेक्स्ट इज वुमेन एंड चाइल्ड, तो ये सब वही है कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं कल्चर में, उसमें इतना इम्पोर्टेंट मुझे कुछ लगा नहीं, तो आप एक बार पढ़ लेंगे अगर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, यू कैन रीड इट वंस। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जो 11 से 14 साल की हैं उनके लिए स्कीम है ये, so that who have left their education and will take step to provide them proper nutrition and special care 8th of every month as adolescent girls day, तो हर 8th of every month को adolescent girl day यूपी में सेलिब्रेट किया जाएगा, याद रखेंगे चीज, किस दिन, 8th of every month। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कहाँ से लॉन्च की गई थी ये स्कीम, PM किसान, एट इज फ्रॉम गोरखपुर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर 6,000 रुपये पर ईयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिलीज को दिए जाएंगे जिनकी
जो लैंड होल्डिंग्स है वो अप टू 2 हेक्टेयर्स है। अब इसके अंदर ऑल फार्मर्स आ गए हैं हु हैव द लैंड, जिसके पास जमीन नहीं है उनको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। लैंडलेस फार्मर्स के लिए नहीं है, फार्मर्स के लिए सिर्फ। ऑल द फार्मर्स गेट 6,000 पर ईयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। के नेशनल नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट एट नोएडा, तो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे ओपन हो रहा है? नोएडा में। ओके तो डेट्स ऑल फॉर दिस। सो थैंक यू गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल अस टू आर जीमेल आईडी दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और यू कैन मैसेज अस इन द डिस्कशन ग्रुप, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू।